आप सभी को नमस्कार, मैं हिमांशु सिंह, एक बार फिर से आप सभी का यूपीएस न्यूज 24 पर मैं स्वागत है। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन की ओर। आपको बता दें, बहुजन संगठनों ने पैदल मार्च कर सरकार का जताया विरोध। दिल्ली के तुलगाबाद में डीडीए द्वारा 600 साल पुराना रविदास मंदिर तोड़े जाने पर बहुजनों ने जताया विरोध। सरकार को दी आंदोलन की भी चेतावनी। मंदिर बनाने के लिए बहुजनों ने कसम भी खाई और कहा, आधी रोटी खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जनपद के करीब 18 बहुजन संगठनों ने पैदल मार्च कर किया एक मुश्त विरोध, जिससे संत शिरोमणि रविदास समिति के अलावा 17 और बहुजन संगठनों ने किया सरकार का विरोध। विरोध प्रदर्शन जालौन के मुख्यालय उरई में किया गया। विरोध प्रदर्शन उरई के तहसील गेट से होकर के शहीद भगत सिंह चौराहा से होते हुए अम्बेडकर चौराहा पर समाप्त हुआ। वहीं जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। जिलाधिकारी के माध्यम से भारत के महामहिम राष्ट्रपति को दिया गया ज्ञापन। ज्ञापन देकर बहुजनों ने जल्द ही मंदिर बनवाने की मांग भी की। आगे की और भी लगातार खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, हर खबर सबसे पहले। ये जो आपने आज जो ज्ञापन दिया है माननीय राष्ट्रपति महोदय को, ये इसका क्या उद्देश्य है और आप सरकार को क्या चेतावनी देना चाहिए? साथियों, आज जो संयुक्त बहुजन मोर्चा के रूप में जो सभी संगठनों के द्वारा जो आज ज्ञापन दिया गया है, उसका मेन उद्देश्य हम लोगों का जो दिल्ली के तुगलकाबाद में जो संत गुरु रविदास जी का मंदिर ढहाया गया है, उसके पुनर्निर्माण के लिए संयुक्त रूप से ये ज्ञापन दिया गया है। साथ ही समस्त बहुजन समाज का ये भी मांग है आज के धरना प्रदर्शन के माध्यम से कि केंद्र की जो केंद्रीय शिक्षा बोर्ड है, उसमें अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की 14 गुनी बढ़ाई गई है, उसको वापस लिया जाए। वह अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का जो आदेश जारी किया गया है, तो उसमें हम सब बहुजन संगठनों का ये मांग है कि 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करने के पहले अनुसूचित जाति का 10% आरक्षण बढ़ाया जाए। तो आपने जो ज्ञापन दिया, इसमें आपके पास कितने संगठनों ने आपका साथ सहयोग किया? आज के जो ज्ञापन का कार्यक्रम हुआ है, उसमें लगभग 18 संगठनों ने औपचारिक रूप से सहभागिता की है। इसके साथ ही वैचारिक रूप से और भी हमारे करीब जो 20-25 संगठन इस कार्यक्रम में आज सम्मिलित थे। के लिए ज्ञापन दिया गया है, इसको माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति जी तक निश्चित रूप से पहुँचा दिया जाएगा।